बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इस बारे में नीतीश कुमार के मीडिया विंग ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा कि उन्होंने बर्खास्तगी का फैसला भाजपा के कहने और उनके लिखित अनुशंसा पर की है। ये तय था कि वो मंत्रिमंडल से निकाले जाएंगे, खासतौर पर जब उन्होंने उपचुनाव में भाजपा के बोझा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के खिलाफ अपने पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतारा। ये उसी वक्त साफ हो गया कि प्रचार शुरू होने के पहले भाजपा, जो उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम के बाद अब बिहार में खासी आक्रामक मुद्रा में है, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाई। फिल्मों के लिए सेट डिजाइन करने वाले सहनी ने 2014 से 15 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार की राजनीति में एंट्री मारी। शुरुआती दौर में सहनी के तकरीबन 6% वोट की वजह से भाजपा ने उन्हें तरजीह दी और बाद में प्रचारक बनाया। अमित शाह के साथ चुनाव प्रचार करने ये निकलते थे, बावजूद भाजपा बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई। नतीजा, सहनी भाजपा के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहे। सहनी भी इस बात को समझ गए थे, 2018 में अपनी पार्टी बना ली, विकासशील इंसान पार्टी। भाजपा से अलग होकर आरजेडी सुप्रीमो के साथ चले गए। 2020 के चुनाव में उन्होंने 10 सर्कुलर रोड के खूब चक्कर लगाए, लेकिन टिकट बंटवारे की जब बात आई तो तेजस्वी ने उन्हें आईना दिखा दिया। सहनी इसे बर्दाश्त तो नहीं कर पाए और महागठबंधन पर आरोप लगा दिया और बाहर। सहनी एक बार फिर से भाजपा के खेमे में पहुंच गए। अमित शाह ने उन्हें मौका दिया और उन्हें एनडीए का सहयोगी बनाकर 11 सीटें और एक विधान परिषद की सीट भी दे दी। बाद में सहनी खुद सिमरी बख्तियारपुर से उतरे और बाद में हार मिली। उनकी पार्टी के 4 नेता विधायक बन गए। सहनी को हार के बाद भी भाजपा ने मंत्री पद दिला दिया, पर राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी जल्दी जल्दी बदल सकता है, और जल्दी जल्दी पाने की चाह में आज ये हुआ कि सहनी मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए गए। एक सबसे बड़ी खास बात ये हुई कि भाजपा विधानमंडल दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पत्र लिखा और मुख्यमंत्री से ये गुजारिश की कि विकासशील इंसान पार्टी के 3 विधायक भाजपा का हिस्सा हो चुके हैं, उनका भाजपा विधायक दल में विलय हो गया है, इसलिए अब वीआईपी के पास कोई विधायक नहीं बचा है। साथ ही अब वीआईपी राजग का हिस्सा नहीं है, इसलिए मुकेश सहनी को पद मुक्त कर दिया जाए। भाजपा के इन दोनों पत्रों के बाद मुख्यमंत्री ने वीआईपी प्रमुख सहनी को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश राज्यपाल से कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा और वीआईपी के बीच दूरी उत्तर प्रदेश चुनाव से ही बढ़ने लगी थी। मुकेश सहनी को भाजपा ने अपने तरीके से कई बार मैसेज देने की कोशिश की। पहली बार जब वो फूलन देवी की मूर्ति लगाने के लिए यूपी गए तो उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश सहनी ने भाजपा के खिलाफ जमकर प्रहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा शोषण कर रही है और उनको अधिकार नहीं दे रही। सहनी अक्सर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत रूप से हमलावर रहे। सहनी ने कई जगहों पर भाजपा के खिलाफ न सिर्फ खुलकर पोस्टर बैनर लगवाए, बल्कि भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील की थी। ये भाजपा को नागवार गुजरा और तभी से वो निशाने पर आ गए। अब सहनी केवल विधान पार्षद ही रह गए हैं। विधान परिषद का कार्यकाल भी इसी साल 21 जुलाई को खत्म हो रहा है। सहनी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध में नहीं है और भविष्य अब उनका 0 के बराबर राजनीति में दिख रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।